channels, Lux Public Schools. Today we have to read about history chapter class 10, but rise of nationalism. In the previous classes, two videos launched by a study of history. इसमें जो है पिछले दो वीडियो में जो है आपको क्या पढ़ाया इसमें नेशनलिज्म में कि किस तरह से जो है फ्रांस में नेशनलिज्म नेशनल स्टेट बनाया गया, किस तरह से जो है फ्रांस में जो है चेंजेस आ रहे थे और अब जो है चेंजेस जो आ रहे थे तो वो चेंजेस जो है आपको फ्रांस में था लेकिन अब जो चेंजेस जो आ रहे हैं वो अब धीरे 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 यूरोप की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि फ्रांस में जो है फ्रेंच में जो है नेशनलिज्म नेशन स्टेट बना तो वो नेशन स्टेट बनने के बाद जो है वो अब धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रियों में जो है या फ्रांस के जो लोग हैं वो धीरे धीरे टेरिटरीज को जीतने लगे और जीत करके जो है जो नेशनलिज्म जो नेशन स्टेट जो है फ्रांस में उन्होंने लागू किया वह जो है आपको यूरोप में भी जो है ये लोग धीरे 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 बढ़ने लगे। जैसे यूरोप में जो है बहुत सारी कंट्रियां थी, बेल्जियम था, ऑस्ट्रिया था, बोहेमिया था, बहुत सारी कंट्रियां थी। तो फ्रांस के आसपास जो भी कंट्रियां थी जैसे बेल्जियम, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मैप में आप देखेंगे तो फ्रांस के आसपास जो कंट्रियां हैं तो उन कंट्रियों के बारे में जो ये फ्रांस के लोग जो है जो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रियों में जो है अपना वो आइडेंटिफिकेशन लेकर के जाने लगे और इस तरह से जो है यूरोप में नेशनलिज्म की भावना या रिवोल्यूशन लाने का कोशिश किया गया और इसमें जो है सबसे ज्यादा योगदान जो है नेपोलियन बोनापार्ट का था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है जब वो आए फ्रांस में तो आप जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बहुत ज्यादा जो क्लियर करेंगे, बहुत सारे आगे हैं इसमें टॉपिक, लेकिन हम इतना ही जानते हैं सिर्फ कि जब फ्रांस में जो है डायरेक्टरी था पूरे यूरोप में जो है नेशन स्टेट या नेशनलिज्म लाने में जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट का जो है बहुत ही काफी योगदान रहा। उन्होंने जो है जब फ्रांस में जो है डायरेक्टरी चल रहा था, डायरेक्टरी सिस्टम चल रहा था, तो डायरेक्टरी सिस्टम जो है आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जैकबिन क्लब था, डायरेक्टरी सिस्टम था, उसमें 5 सदस्य हुआ करते थे तो वो इस तरह से जो है तो उन्होंने डायरेक्टरी को जो है हटा करके जो है डिक्टेटरशिप लाया और डिक्टेटर एक नेपोलियन क्या थे डिक्टेटर के रूप में जो है आपको फ्रांस में जो है आए और उन्होंने जो है पूरे यूरोप में चेंजेस लाने के लिए पूरे यूरोप को नेशनलिज्म में लाने कन्वर्ट करने के लिए जो उन्होंने जो है नेपोलियन कोड एक या सिविल कोड के नाम से जो है एक नियम लागू किया और वो जो है सिविल कोड और नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे कि व्हाट इज सिविल कोड या व्हाट इज नेपोलियन कोड, व्हाट इज द मेन रिफॉर्म्स ऑफ द नेपोलियन कोड, इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे तो नेपोलियन ने जो है आपको सबसे पहले जो है फ्रांस ने जो है डायरेक्टरी को समाप्त करके जो है डिक्टेटरशिप लाया और उसने किया क्या कि डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील मोर रेस्पॉन एंड एफिशिएंट। आप जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो है आपको एफिशिएंट रेस्पॉन और एफिशिएंट डेमोक्रेसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा क्या हुआ फ्रांस में यूरोप में जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेशन फील मोर रेस्पॉन एफिशिएंट, इसने जो है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया यानी जो चल रहा था सिस्टम जो है आपको चल रहा था जो डायरेक्टरी सिस्टम चल रहा था फ्रांस में उसको इन्होंने क्या कर दिया समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद जो है एक अपना नियम लागू किया जो काफी जो है एफिशिएंट और रेशनल था। तो ऐसा क्या मतलब क्यों ऐसा हुआ तो इसका वजह क्या था कि डेमोक्रेसी जो होती है का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होगा, यह डिपेंड करता है उस वहाँ का जो शासक है वो किस प्रकार से जो है चाहे वो गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है मोनार्की हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो तो कोई भी गवर्नमेंट हो लेकिन अगर उसका शासक अच्छा है तो वो अच्छे से ढंग से जो है अपनी किंगडम को रोटेट कर सकता है। तो इसने जो है डेमोक्रेसी को तो बर्बाद कर दिया वहाँ पे हटा दिया लेकिन जो है
एक ऐसा सिस्टम लाया, एक फिर मोर रेशनल एंड एफिशिएंट लाया, जिसके वजह से वहां के लोग जो है काफी पसंद किए जेपीएन मोनापार्ट को। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें सब, पहले तो इस टॉपिक में हम लोग को यही पढ़ना है कि नेपोलियन जो है आपको कैसे जो है लोगों के लिए पसंदीदा हुआ, कैसे लोग उसको पसंद किए, बाद में फिर वही नेपोलियन को इन्होंने अपोज भी किया। तो ये देखेंगे हमको रिफॉर्मिस्ट पहला था, दूसरा था एब्लिश द प्रिविलेज बेस्ड ऑन गॉड एस्टैब्लिश बिफोर लॉ। फ्रेंच सोसाइटी में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि जो फ्रेंच सोसाइटी था वो उसमें जो है जो दो स्टेट थे उनको काफी प्रिविलेज था। तो इन्होंने क्या किया कि यह जो थर्ड स्टेट वालों के लिए काफी काम किया फ्रांस में, यूरोप में जो है थर्ड स्टेट के वाले जो उनकी संख्या ज्यादा थी तो उनके लिए इन्होंने ज्यादा काम किया, इसलिए जो है उनकी नजर में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत अच्छे साबित हुए। उन्होंने यह किया कि एब्यूज द प्रिविलेज बेस्ड ऑन व्हाट एस्टैब्लिश्ड बिफोर लॉ। उन्होंने क्या किया कि प्रिविलेज के आधार पर जो है जो फैसिलिटी दी जा रही है फर्स्ट स्टेट के लोगों को अब वो हटा दिया जाए और सबको जो है एक समान लॉ के तहत, एक समान रूल के तहत जो है देखा जाए। तो लोग जो है इसके वजह से जो है नेपोलियन बोनापार्ट को या नेपोलियन को जो है लोग काफी पसंद किया। कि उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम सर्वडम एंड मेरिटल ड्यूज वेयर एब्लिश्ड। अब ये क्या चीज है, फ्यूडल सिस्टम क्या है इसको समझिए आप। तो देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या था, यूरोप में एक ऐसा फ्यूडल सिस्टम था जैसे एक कोई राजा है और वो अपने किंगडम में जो है रोटेशन कर रहा है, किंगडम में अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर चला रहा है, तो वो क्या करेगा हर जगह तो शासन करने के लिए जाएगा नहीं, वो क्या करेगा कि अपना एक सामंत रखेगा, अपना एक जागीरदार रखेगा, तो वो फ्यूडल कहलाते थे। और यह फ्यूडल सिस्टम जो है वो इसी को हम कहते हैं कि वो अपना फ्यूडल रख करके जो है अपना कार्य को करते थे, तो ये फ्यूडल सिस्टम था। तो इस फ्यूडल सिस्टम से जो है लोग काफी एक्सप्लॉयटेशन होता था यूरोप में, तो इसको उन्होंने हटाया। फिर उसके बाद सर्वडम, सर्वडम क्या चीज है, सर्वडम सर्व मींस होता है जो लेबर्स, तो सर्व जो होते वहां यूरोप में जो लेबर्स थे जो पीसेंट थे उनके ऊपर जो है जो फ्यूडल सिस्टम के लोग जो है उनके अंडर में ये पीसेंट जो है उनके अंडर में जाकर के काम करते थे, तो उनको जो है वेतन वगैरह अच्छे नहीं मिल पाते थे, तो उन्होंने सर्वडम को हटा दिया, बोला कि नहीं सोसाइटी में जो ये सर्वडम है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, लोग जो है फ्री होकर के काम करेंगे और फ्री होकर काम करेंगे तो अपना मनपसंद जो है वो वर्क करेंगे, उनको अपने पसंद के अनुसार उनको सैलरी मिलेगी, तो लोगों में जो है स्वतंत्र की भावना आएगी, लोग अच्छे से वर्क करेंगे सोसाइटी में। फिर उसके बाद एंड मेनोरियल यूज वेयर एब्लिश्ड। मेनोरियल क्या होता है, देखिए मेनोरियल जो है एक ऐसा था कर्ज था, मेनोरियल मींस होता है कर्ज, जो पीसेंट के ऊपर लगाया जाता था, पीसेंट जो है वर्क करते थे और वो टैक्सेशन देते थे उनके ऊपर कर्ज होता था, तो ये मेनोरियल जो यूज है और बोनापार्ट नेपोलियन ने जो है ये हटा दिया। और ये सारे सिस्टम जो है समाज जो थे यूरोप के सोसाइटी में, ये फ्यूडल सिस्टम सर्वडम एंड मेनोरियल, इन्होंने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसे समाप्त होने से जो है लोगों को काफी राहत मिली, काफी जो है अपने आप को अच्छा फीलिंग महसूस किए कि उसका नेशन स्टेट के फीलिंग में ये काफी योगदान हुआ। उसके बाद आता है गिल रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेयर इम्प्रूव। उन्होंने क्या किया, गिल रेस्ट्रिक्शन किया, गिल मतलब क्या होता है कि जो व्यापारी थे वो जो है जिससे मान लीजिए फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप के एक जगह पे जो है लोग क्या करता था इकट्ठा होकर के जो अपना आभूषण वगैरह या व्यापार का कोई काम किया करता था लोग, तो इससे क्या होता है कि ये लोग जो है इकट्ठा होकर के जो है बार्गेनिंग कर लेते थे, इससे समाज में लोगों को एक्सप्लेशन होता था इनके जरिए से। तो इन्होंने क्या किया कि जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी व्यापारी लोग जो होंगे जो एक जगह इकट्ठा होकर के काम नहीं करेंगे, ये जो काम करेंगे तो वो यूरोप में जो है अलग अलग जगहों पे काम करेंगे, अलग अलग कस्बे में काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि सभी लोगों को जो है ट्रेड से संबंधित फैसिलिटी जो है मिल जाएगी और ये लोग एकजुट नहीं होगा, अगर एकजुट नहीं होगा तो लोग समाज में बार्गेनिंग नहीं करेगा। तो इस तरह से उन्होंने हटा दिया आपको गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेयर इम्प्रूव। उन्होंने क्या किया कि पूरा जो है समाज को कमर्शियल रूप में चेंज करने का काम किया, कमर्शियल यानी जो है पूरी तरह से वो समाज में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। आप कहते हैं कि अगर मनी पैसा है तो पैसे की वजह से क्या हो जाएगा, पूरा जो है उनका आर्मी बेटर हो जाएगा, तो आर्मी का बेटर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरीज को कंकर्ट करेंगे, जीत पाएंगे और जीत पाएंगे तो उनका साम्राज्य किंगडम जो है बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है आपको नेपोलियन ने काम किया, जो लोगों को काफी पसंद हुआ, उन्होंने कम्युनिकेशन को और ट्रांसपोर्ट को काफी विकसित किया, और विकसित करने के बाद जो है वो समाज में काफी चेंजिंग लाए अपने समय में। फिर उसके बाद एस्टेंड्राइज वेट एंड मीजर्स यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी उन्होंने क्या किया कि एस्टेंड्राइज मतलब होता है कि एक ऐसा वेट और मेजरमेंट का एक ऐसा यूनिट लेके आया कि यूरोप में हर जगह जो है एक प्रकार का जो है स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट हो। जैसे आप पहले तो क्या होता था कि लोग मापतोल का कोई यूनिट नहीं हुआ करता था। लोग जैसे आप हमने कहा कि नहीं हमको एक किलो तरबूज चाहिए, तो लोग गांव में क्या करते थे कि कोई एक पत्थर उठाते थे और उसे जो उसको तौल करके दे देते थे। हालांकि वो एक्यूरेसी में नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी जो है आप मान लेते थे हम लोग कि नहीं यार 1 kg का जो पत्थर है। तो यूरोप में भी ऐसे चल रहा था अलग अलग जगहों पे जो है। अब ये जो लोग जो है जब इस तरह का मेजरमेंट चल रहा था तो कभी कभी व्यापारियों को लगता था कि नहीं हम कहीं फायदे में हैं, फिर कहीं कहीं जो है कस्टमर जो थे वो सोचते थे कि नहीं हमारा एक्सप्लोशन हो रहा है। तो इस तरह की डाइवर्सिटी यूरोप में, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो वेट और मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज मतलब हो गया कि एक यूनिट में जो है सबको कर दिया कि लोगों को यह न लगे कि हम अपना जो है व्यापार कर रहे हैं या हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको उनमें हमारा जो एक्सप्लोशन हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने यह नियम स्टार्ट किया। तो ये इन रिफॉर्म्स के वजह से, इन कारणों के वजह से जो है नेपोलियन को जो है पसंद किया गया पूरे यूरोप में। जब लोगों को जो है यूरोप के फ्रांस के आसपास की जो कंट्रियां हैं उनको जब यह लगा कि नहीं नेपोलियन जो है अपने फ्रांस में काफी जो है चेंजिंग ला दिया है, बहुत बेटर काम कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो लोग सोचा कि ये जो नेपोलियन है वो हमारे यहाँ भी आए, हमारे कंट्रियों में भी आए, हमारे यहाँ भी जो है उसी तरह का रूल रेगुलेशन लागू करे। जिससे क्या हुआ कि जो फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ है, जो फ्रांस में चेंजिंग आया है, वह चेंजिंग जो है हमारे कंट्रियों में भी आना चाहिए। तो उन्होंने जो क्या किया, फ्रेंच आर्मी हार्बिंगर्स ऑफ लिबरली इंट्रोड्यूसिंग इनटू द हॉस्पिटैलिटी, इन्होंने क्या किया कि यह जो है फ्रांस जो है इनके जो सैनिक है वो दूसरे टेरिटरीज में जाकर के कंकर करने लगे, जीतने लगे, और इन्होंने जो है दूसरे कंट्री के लोग जो है क्या किया, इनका स्वागत भी किया। क्योंकि यह स्वागत इसलिए किया तो लोग जानते थे कि नहीं फ्रांस में जो है नेपोलियन ने काफी चेंजिंग लाया है, वहां के लोगों को काफी खुशहाल बनाया है, तो हो सकता है कि नेपोलियन मेरे यहाँ भी आए, मेरे यहाँ भी चेंजिंग लाए और हमारा भी कंट्री बेटर हो जाए। तो इन्होंने जो है दूसरी कंट्री के लोग जो है इनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से कहा। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या होता है आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक्स में जो है आपको एक व्यक्ति है जो झंडा लेकर के खड़ा हुआ है सैनिक जो है। तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब लोग इन्होंने इनका स्वागत किया, कहा कि ये लोग जो है आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, आजादी लेकर के आ रहे हैं हमारे कंट्री में। तो ये लोग इस तरह से जो है इसका काफी स्वागत किया। लेकिन बाद में जो है एंथ्यूसिज्म सून टर्न इनटू द हॉस्टिलिटी, लेकिन इनका जो है शुरू में उन्होंने उनका तो वेलकम तो किया, लेकिन बाद में जो है वो टर्न इनटू द हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया, यानी विद्रोह में चेंज हो गया। लोग जो है अपने नेपोलियन को क्या करने लगे, नापसंद करने लगे, उसको अपोज करने लगे। तो उसके पीछे क्या रीजन था, रीजन तो देखिए रीजन कुछ थे, कुछ रीजन ऐसा था कि नेपोलियन जो है अपनी किंगडम्स को जो है या अपने नेशनलिज्म को जो है चेंजेस करने के लिए, पूरे कंट्री को जो है यूनिफिकेशन करने के लिए जो है वो अगल बगल के टेरिटरीज को जो है जीता जा रहा था, वो जीत करके जो है वो फ्रांस के यूनिफिकेशन को उसको लाना चाह रहा था। तो लोगों से जो है वो ब्रिटिश से जब कंकर कर रहा था तो लोग उनका पहले तो स्वागत भी किया, लेकिन यह नेपोलियन जो है जब बेल्जियम को, ऑस्ट्रिया को या और सारे जो है रीजन्स में या अपना जीत हासिल करने लगा, तो यह जीत करके जो है उनके ऊपर जो है अपना फ्रेंच आइडेंटिफिकेशन फोर्स करने लगा। अब एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ और मैं किंगडम्स टाइप मालिक राजा हूँ और मैं अलग अलग टेरिटरी को जीत रहा हूँ, जैसे मैं अफगानिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान को जीत लिया और भी बहुत सारे जो है कंट्रियों को जीत लिया, लेकिन हमने तो बहुत सारे टेरिटरीज को जीता, लेकिन हमारा जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो फ्रेंच होगा, हमारा जो इंडियंस होगा। तो इसी तरह से जो है आपको नेपोलियन जो है वो दूसरे टेरिटरीज को जीत रहा था, लेकिन उसका जो सेंटिमेंट्स था वो फ्रेंच का था,
और वो जहां भी जाता था तो वो फ्रेंच आइडेंटिफिकेशन को ही लाता था। वहां के लोग ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, मान लीजिए जर्मन के लोग थे, लोग अपना लैंग्वेज बोलते थे, तो उनको बोला कि नहीं आपको फ्रेंच बोलना है, आपको जो है फ्रेंच के नियमों के तहत ही चलना है। तो लोग जो है शुरू में देश को पसंद किया, लेकिन बाद में जो है लोग जब देखे कि नहीं यह अपना जो है फ्रेंच आइडेंटिफिकेशन यहाँ ला रहा है, तो कहने की हमारा जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो समाप्त होता जा रहा है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो समाप्त होता जा रहा है, तो लोगों के अंदर जो इस तरह की भावना आने लगी कि नेपोलियन तो हमारे ऊपर कब्जा कर लिया हमारे ऊपर, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम जो है यह चेंज करके फ्रेंच सिस्टम लाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल फ्रीडम डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद, यानी वहां के लोगों का जो पॉलिटिकल फ्रीडम था वो बिल्कुल समाप्त हो रहा था। लोग अपने आप को जो है सिर्फ फ्रेंच आइडेंटिफिकेशन के तरफ ही समझ रहे थे, वो अपना आइडेंटिफिकेशन खोते जा रहे थे। तो इस तरह से जो लोगों में जो है हॉस्टिलिटी आ गया, यानी नेपोलियन के इन्होंने विरोध करना शुरू किया। फिर उसके बाद दूसरे भी और बहुत सारे कॉजेस थे, कारण थे, जैसे इंक्रीज टैक्सेशन। इसने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज किया, टैक्स इंक्रीज क्यों, क्योंकि पैसे की जरूरत थी इसे, ये अपना चाह रहा था कि अपने किंगडम्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, तो बढ़ाने के लिए उसको जो है सैनिक चाहिए थे और सैनिक को सैलरी देना चाहिए था। तो जिसके वजह से वो क्या कर रहा था कि अपने जो है कोर टैक्स लगा रहा था, और थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स बढ़ाते जा रहा था, जिसके वजह से लोग भी इससे ज्यादा थोड़ा सा परेशान हुए। उसके बाद सेंसरशिप, आप देखिए सेंसरशिप क्या है, आप सुने होंगे कि सेंसरशिप मूवी वगैरह में आप देखे होंगे कि सेंसरशिप जो है इसको, इस मूवी को जो है ब्लॉक कर दिया या साइन नहीं किया, या इस मूवी में ये सीन को हटा दिया। तो सेंसरशिप का मतलब होता है निगरानी करना, देखना, जांचना। कोई फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज होने से पहले जो है मुंबई में जो है सेंसर बोर्ड के लोग उसको बैठ करके देखते हैं, और देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई ऐसा सीन तो नहीं जो भड़काऊ है, या इस तरह का कोई सीन नहीं है जो लोगों को जो है अपना दिक्कत ला सकता है, तो उस सीन को हटा दिया जाता है। तो नेपोलियन ने भी जो है यूरोप सोसाइटी में जो सेंसरशिप लाया, सेंसरशिप यानी जो मैगजीन पेपर वगैरह चलते थे उसके ऊपर निगरानी करना, लोग जो क्या पब्लिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेंसरशिप करना। तो यह सेंसरशिप जो है लोगों को अच्छा नहीं लगा नेपोलियन का, जिसके वजह से लोग जो है विरोध किया। उसके बाद जो है फोर्स कंसेप्शन इन फ्रेंच आर्मीज। अब नेपोलियन ने क्या किया कि जबरदस्ती वहां के लोगों को जो है फ्रांस के आर्मी में जो है इन्वॉल्व करने लगा, तो क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा जो यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे टेरिटरीज को जीतना था, तो जीतने में उन्होंने क्या किया कि जो वहां के नागरिक को बाय फोर्स करके जो है फ्रेंच आर्मी में जो है ज्वाइन करने लगा। और ज्वाइन तो लोग जो है अपने मन से अगर जो जाते थे फ्रांस आर्मी में तो उनको तो ठीक था, लेकिन जो कोई बाय फोर्स करके जाते थे तो उनको यह चीज अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से उन्होंने नेपोलियन का जो है विरोध किया। तो हम इस वीडियो में हम लोग क्या देखे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है यूरोप में चेंजिंग लाने के लिए अपना सिविल कोड लाया, सिविल कोड के तहत जो इन्होंने सुधार ये सब सारे बताया, यहाँ तक जो है नेपोलियन को तो अच्छा माना जा रहा था, नेपोलियन अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जो है यह जो नेपोलियन कुछ अपने एक्टिविटी के तहत जो है वहां के लोग जो है इसको नापसंद करने लगे, इसका विरोध करने लगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे जो यूरोप की जो सोसाइटी कैसी थी, ये हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या सोसाइटी उसमें था, उस सोसाइटी में क्या क्या चीज हो रहा था यूरोपियंस में। तो ये हम लोग इसमें यही पढ़ना था, और थैंक्स, दैट्स एंड्स ऑफ टॉपिक्स। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.